यही उनकी कथनी करनी का फर्क है, जिससे हमने उनके उनको भी सचेत किया कि अगर आप कथनी करनी फर्क रखेंगे तो आपका हस्त्र भी ऐसा होगा जैसे भारतीय जनता पार्टी का हुआ। देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है, विपक्ष नहीं लड़ रहा है। ये जो बात लोग जमीन तक चली गई कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, इस वजह से दलित पिछड़े वर्गों ने इस आंदोलन को, इस चुनाव को अपने कंधों पर उठा लिया। वरना विपक्ष ने इतना कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया कि जनता जनमत संग्रह उनकी तरफ हो। तो अभी नहीं, दो सीटों पर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, डुमरियागंज और नगीना लोकसभा सीट, ऐसा क्यों हुआ? मतलब इंडिया अलायंस वालों ने भरोसे में रखा, फिर वो रोते बाद में कि चंद्रशेखर ने हरा दिए, चंद्रशेखर ने हरा दिए। हम दो सीट लड़े तो भी उनके पेट में दर्द हुए। आप समझिए ना, लोकतंत्र में कोई आप अपने सगे परिवार के लोगों को तो नहीं रोक सकते, वो तो कोई बीजेपी में है, कोई किसी और पार्टी में, उनको तो ना रोक सकते। आप चंद्रशेखर आजाद को रोक सकते, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आप जो है साजिशें कर सकते। जनता समझदार है, इसको हम जानते हैं कौन संविधान बचाने और कौन जो है लोकतंत्र बचाने और कौन दलित पिछड़ा कितना ऐतिहासिक है। अभी हम कुछ ना कहते, इसलिए ना कहते, वरना बाद में रोगे चंद्रशेखर एक भाषण दे दिए तो हमारे सारी वोट कट गए। पूरे प्रदेश में तीन सीटों पर आपकी नज़र है, क्या परिणाम लग रहे हैं 4 जून को जो आ रहे हैं? पूरा विश्वास है कि तीनों सीटें हम बहुत अच्छे अंतर से जीते। 4 जून के बाद जो भाईचारा बना है पूर्वांचल साइड में मौर्य जी का, और आपका क्या मजबूत। नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा नगीना सुरक्षित से बड़े ही मजबूती से चुनाव लड़े भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी आज मेरे साथ हैं। लगातार डुमरियागंज लोकसभा सीट पर और कुशीनगर सीट पर लगातार चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। जानेंगे किस तरीके से 4 जून को जो परिणाम है उनको किस नज़र से देख रहे हैं और डुमरियागंज लोकसभा सीट पर क्या कुछ माहौल है। सर, बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद भाई विशाल। आप कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ही पूरे तमाम ऑडियंस के ये है कि क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ शर्तें रहीं, क्या कुछ ऐसी बातें आप लगातार उनको समर्थन कर रहे हैं, आपको क्या लगा कि समर्थन करना चाहिए? इंडिया अलायंस के लोगों ने हमें हमारा साथ छोड़ दिया। तो हमने अपनी पार्टी के बहुत कम लोगों को चुनाव मैदान में उतारा। अगर ये पहले हमसे बता दिए होते तो हम अपना संगठन के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका देते। लेकिन जो भी मजबूत आवाज़ जिनको मैं या समाज ये मानता है कि उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए, अगर कहीं वो अपने दम पे संघर्ष कर रही है तो उनकी मदद करना नैतिकता है, मेरी जिम्मेदारी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी लंबे समय तक बहुजन आंदोलन के ध्वजा वाहक रहे, उन्होंने लंबे समय तक बहुजन आंदोलन को सींचा। और जितनी मजबूती से असेंबली में मैंने उनको सुना बहुजन आंदोलन पे बोलते हुए और मनुवाद पाखंडवाद के खिलाफ बोलते, शायद ही कोई हिम्मत जुटा पाए हो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति। तो मैं ये मानता हूँ कि वो उस आंदोलन में से आगे बढ़ के आए हैं जिस आंदोलन को हम लोग आज चला रहे हैं। तो जब वो उन्होंने अपने दम पे यहाँ लड़ने का निर्णय लिया, मेरी जिम्मेदारी थी कि जैसा मेरे साथ लोगों ने किया मैं ऐसा उनके साथ ना करूं। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की और हमने उनको समर्थन किया। और मैं 2 दिन वहाँ रह के प्रयास मैंने पूरा किया कि हमारा संगठन पूरी ताकत लगा के तन मन धन से उनको सहयोग करे और उनको जिता के पार्लियामेंट में भेजे। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिले की कमेटी का, विधानसभा का, जिन्होंने मेरी एक आवाज़ पर उस जिम्मेदारी को इस तरह से निभाया जैसे वो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, वो खुद ही वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, विधानसभाओं में आप कुशीनगर में मौर्य जी के साथ आप घूमे, क्या माहौल आपको दिखा? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है, जनमत उनके प्रति संग्रह हो रहा है और जनता का विश्वास उनके प्रति है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि वहाँ से वो 3 बार विधायक भी रहे हैं और एक बड़ी टीम उनकी रही है और आंदोलन में प्रदेश स्तर के नेता भी रहे हैं, तो पूरी यूनिट जो है वहाँ की, जो तमाम पार्टियों की, उन सबके मन में इच्छा है कि भाजपा को 10 साल उन्होंने दिए तो एक मौका स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी मिलना चाहिए। आप अपनी स्पीच में एक बात बोल रहे हैं कुशीनगर में लगातार कि पूरा जो विपक्ष है, भले ही बीजेपी जीत जाए पर स्वामी प्रसाद मौर्य ना जीतना चाहे, क्योंकि एक तरफ पूरा विपक्ष इंडिया अलायंस संविधान बचाने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर को शर्माते बाबा साहब की बात कर रहा है और अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले प्रत्याशियों को, कैंडिडेट को रोकने का प्रयास कर रहे हैं आपके साथ। यही उनकी कथनी करने का फर्क है, जिससे हमने उनके उनको भी सचेत किया कि अगर आप कथनी करनी फर्क रखेंगे तो आपका हस्त्र भी ऐसा होगा जैसे भारतीय जनता पार्टी का हुआ। देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है, विपक्ष नहीं लड़ रहा है।
ये जो बात लोग जमीन तक चली गई कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, इस वजह से दलित पिछड़े वर्गों ने इस आंदोलन को, इस चुनाव को अपने कंधों पर उठा लिया। वरना विपक्ष ने इतना कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया कि जनता जनमत संग्रह उनकी तरफ हो, तो अभी वो अपना काम कर रहे हैं और फिर इस बीच बीच में जो मजबूत आवाज है उनको रोकने का काम भी कर रहे हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, जनता समझदार है, जनता जानती है किसको कामयाब करना है और किसको रोकना है। इंडिया अलायंस और उत्तर प्रदेश में तमाम सहयोगी दल हमेशा दो नावों पर पैर रख के चलते हैं, सॉफ्ट हिंदू वाला और उधर मुस्लिम, दोनों वोटों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। आप अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हो फिर भी नगीना सीट पर आपको समर्थन ना देना, तो हमने बताया नहीं कि उनकी कथनी करनी फ़र्क है, हमारी कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं है। हम हमेशा से वैचारिकी के साथ, बहुजन आंदोलन के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और जब तक जीवित हैं अपने इसी वैचारिकी के साथ, फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार की विचारधारा के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और अपने कार्य को करते रहेंगे। हमारे लिए राजनीतिक सत्ता सेकेंडरी है, पहले सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक जागरूकता है। समाज जागरूक हो जाएगा तो अपने हकों को छीन कर ले लेगा, समाज जाग जाए, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कि नहीं, दो सीटों पर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, डुमरियागंज और नगीना लोकसभा सीट, ऐसा क्यों हुआ? मतलब इंडिया अलायंस वालों ने भरोसे में रखा, फिर वो रोते बाद में कि चंद्रशेखर ने हरा दिए, चंद्रशेखर ने हरा दिए। हम दो सीट लड़े तो भी उनके पेट में दर्द हुए। आप समझिए ना, लोकतंत्र में कोई आप अपने सगे परिवार के लोगों को तो नहीं रोक सकते, वो तो कोई बीजेपी में है, कोई किसी और पार्टी में, उनको तो ना रोक सका था। आप चंद्रशेखर आज़ाद को रोक सकते थे, चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ आप जो है साजिशें कर सकते। जनता समझदार है किसको, हम जानते हैं कौन संविधान बचाने और कौन जो है लोकतंत्र बचाने और कौन दलितों पिछड़ा, कितना ऐतिहासिक, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब 2 अप्रैल 2018 में दलितों पर जुल्म हुआ, कोई नेता आवाज़ उठाए क्या? कोई नेता उनके लिए लड़े क्या? तो वोट चाहिए तो सबको दलितों की याद आता, सब जानते हैं, जनता भी जानती है, समाज भी जानता है। और अभी हम कुछ ना कहते, इसलिए ना कहते वरना बाद में रोगे चंद्रशेखर एक भाषण दे दिए तो हमारी सारी वोट कट गए। कोई गुलाम नहीं है जनता की, जनता जहाँ जो व्यक्ति जीत रहा हो, भाजपा रहा हो, उसके साथ खड़ी है। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो तानाशाही का दौर है ख़त्म हो। पूरे प्रदेश में 3 सीटों पर आपकी नज़र है, क्या परिणाम लग रहे हैं 4 जून को जो आ रहे हैं? पूरा विश्वास है कि 3 सीटें हम बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। 4 जून के बाद जो भाईचारा बनाए पूर्वांचल साइड में मौर्या जी का और आपका, क्या मजबूत होगा और ताकतवर होगा, आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। एक वीडियो के बारे में आपने स्पीच में जिक्र किया और तमाम वो विरोधी आपके ये कह रहे हैं कि आपने नाम नहीं लिया, क्या ऐसा कहना था? कोई अब हम कहें को किसी का नाम ले, हमने तो जिसको समझाना था हमने उनको समझाया कि भाई आप अपने राजनीतिक काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस राजनीतिक काम के जरिए आप ये भी जनभावनाओं का ध्यान रखो कि आपके जरिए किसी समाज का, किसी व्यक्ति का जो है उसके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। माननीय काशीराम साहब हमारे रहबर हैं, हमारे नेता हैं, उन्होंने हक वंचित समाज को संघर्ष करना सिखाया है, उन्होंने लड़ना सिखाया है, वोट की वैल्यू समझाई है, तो उनके अपमान के बारे में सोचना भी गलत बात है। हो सकता है उनसे भूल चूक में हुआ हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि भविष्य में, हमने इसलिए उनको टोका कि भविष्य में, क्योंकि वो अगर अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, उन्होंने मन बनाया, वो अच्छी बातें कर रहे हैं, तो उनसे कोई गलती ना हो, इसलिए हमने उनको समझदारी के तौर पर, ये इशारे के तौर पर कहा कि वो इस तरह की गलती से बचें। इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो लगातार आ रहा है, बीजेपी तो 5 किलो राशन दे ही रही है और इंडिया अलायंस के तमाम नेता कह रहे हैं कि हम 10 किलो बढ़ा दें, क्या इन पे यही मूलभूत मुद्दे हैं या जो समस्या है? हमें अवसर मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे क्या करना है जी। भीम आर्मी संस्थापक आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, लगातार उनसे मैंने बात की, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की, क्या कुछ रणनीति 4 जून के बाद रहेगी ये भी जाना, फिलहाल 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है उस पर क्या कुछ इनका विश्वास है वो इन्होंने खुलकर बताया। फिलहाल आप देख रहे थे भीम सन टीवी, फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।